दोस्तों आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। दोस्तों जैसे बारिश पड़ी है आपके पौधे में, इस तरीके से नींबू नहीं आ रहे हैं। बारिश दो चार पड़ चुकी है, अगर नींबू नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि नींबू के पौधे पर हम क्या काम करें कि इस तरीके से आपके पौधे पर भी नींबू आए। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ काम है, कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, और मैं उसके साथ साथ आपको एक लिक्विड भी बताऊँगा कि आपको उसका स्प्रे भी करना है और आपको जड़ों में भी देना है। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी गार्डन में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा नींबू का पौधा गर्म जलवायु का पौधा है और अत्यधिक गर्मी पसंद भी करता है, धूप में रहना भी चाहता है। लेकिन दोस्तों अब जैसे बारिश होने लगती है तो इसमें थोड़ी थोड़ी नमी ये भीगने लगता है और इसमें थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। तो दोस्तों आपके यहाँ जैसे बारिश रुकती है तो आपको इस पर कुछ काम करने होते हैं, तो चलिए मैं आपको वो काम बता देता हूँ। दोस्तों काम नंबर एक, जैसे इसकी ये सूखी डाली हैं और सूखी पत्ती हैं, इन सबको आपको निकाल लेना है इस तरीके से, देखिए, और ये सूखी डाली को काट भी लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं आप, ये हो गई और ये हो गई। और दोस्तों इसकी मिट्टी को इस तरीके से आपको कोड़ना है जिससे इसकी मिट्टी के अंदर हवा जाएगी और जो नीचे मिनरल्स हैं पोषक तत्व उनको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कोड़ना ज़रूर है मिट्टी को। और दोस्तों आपको ये भी ख्याल रखना है कि जैसे ही बारिश बंद होती है, धूप होती है, तो इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र डालने हैं, तो मैं दोस्तों अभी आपको वो बताता हूँ कि किस तरीके से डालना है। ये देखिए दोस्तों हमारे पास NPK है 19-19-19, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों 19-19 की मात्रा में है। नाइट्रोजन जो इसकी ग्रोथ में मदद करता है और इसकी मिट्टी को एसिडिक करता है, और जो इसमें फास्फोरस है वो इसके फ्लावर को खिलाने में मदद करता है, पोटेशियम भी इसकी जो फूल आते हैं उसको टिकने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका एक चम्मच हम 200 ml पानी में इस तरीके से घोल लेंगे, मैं आपको घोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हम इसको ले लेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चम्मच आप ले लेंगे और इसको पानी में इस तरीके से घोल लेंगे। और दोस्तों इसको आपको डायरेक्ट नहीं देना है, इसको भी आपको डाइल्यूट करना है अच्छे से। जब ये घुल जाए तो आप इसको आधा लीटर पानी में इस तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डाइल्यूट कर लीजिए और ये आधा लीटर 500 से 550 700 मिलीलीटर हो चुका है। इसको आप अपने बड़े पौधे में इस तरीके से दे सकते हैं। ये इससे क्या होगा, इसकी जड़ें मजबूत होंगी क्योंकि ये नाइट्रोजन है इसके अंदर और ये नाइट्रोजन इस पौधे को ग्रोथ पर लेकर आता है। दोस्तों तो इस तरीके से आपको तकरीबन 500 से 700 मिलीलीटर ऐसे बड़े गमले में डाल देना है, और अगर इससे भी बड़ा गमला है तो आपके पास तो उसमें भी डाल देना है। चाहे आज दोस्तों आपका पौधा 5 से 7 साल पुराना हो, उसमें भी फ्लावरिंग और फूटिंग होगी। और ये देखिए हमारा 1 साल ही पुराना है पौधा, तो इसमें देखिए कितनी सुंदर फूटिंग हो रही है और नींबू भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा तरीका जान लेते हैं कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फूटिंग नहीं हो रही उसके लिए क्या करना है, या अगर ग्रोथ हो चुकी है फ्लावर नहीं आ रहे हैं चाहे आपका पौधा कितना ही पुराना हो। ये देखिए दोस्तों हमारा एप्सम साल्ट है जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है जो बहुत तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग करने में काम करता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक चम्मच ये मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है जिसे एप्सम साल्ट कहते हैं। इस तरीके से आधा लीटर पानी में एक चम्मच अच्छे से घोल लेना है, देखिए मैं घोल के दिखा दे रहा हूँ। घोल लेंगे और घोलने के बाद आप इसको एक स्प्रेयर बॉटल में भर लेंगे। ये देखिए अच्छे से घुल गया। ये देखिए दोस्तों हमने अपने स्प्रेयर में भर लिया है, इस तरीके से आप भी भर लेंगे और अपने पूरे पौधे पर इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी अपने पौधे पर स्प्रे करते हैं इस एप्सम साल्ट का, ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल होता है। अगर कलियाँ फूल नहीं बन रहे हैं और फल में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए ये उत्प्रेरक का काम करता है और बहुत तेज़ी से फल बनाने लगता है। दोस्तों इसको, इस प्रक्रिया को आप हर 15 से 20 दिन पर एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके भी पौधे पर देखिए इस तरीके से ये नींबू बनेंगे, हमारे जिस तरीके से नींबू बने हुए हैं देख सकते हैं, बहुत अच्छे। अभी हमने इससे 4 पहले तोड़ चुके हैं और ये 4 अभी बाकी हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे इस प्लांट पर हमने ये वर्क कर दिया, हमारे यहाँ जैसे बारिश रुकी थी अब इस पर भी ऐसी ही फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों अगर आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।